सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में बीते 11 दिनों से ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है, जिससे यहां पर मरीजों को अब ऑक्सीजन सिलेंडरों के माध्यम से ऑक्सीजन दी जा रही है। इस तरह की व्यवस्थाओं से मरीजों को ही भारी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। करोड़ों की लागत से लगा यह ऑक्सीजन प्लांट स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र के जिला अस्पताल में बंद पड़ा है। बता दें कि इस ऑक्सीजन प्लांट की वारंटी समाप्त हो चुकी है, जिसमें करीब 4 लाख का खर्चा आएगा। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने सरकार को इस बारे अवगत करवाया है, बावजूद इसके बीते 11 दिनों से यह ऑक्सीजन प्लांट सफेद हाथी साबित हो रहा है और इस और किसी का ध्यान नहीं है। प्लांट हमारा जो है ना, ये काफी समय हो गया, 1.5 साल से ऊपर हो गया लगे हुए, और बड़े अच्छे से हम इस प्लांट को चला पा रहे थे। गवर्नमेंट से जो डायरेक्शन हमको आती रहती है टाइम टाइम से, और गवर्नमेंट से जो फंडिंग आती रहती है उसके हिसाब से हमने पाइपलाइन बिछा दी थी हॉस्पिटल में, और प्लांट हमारा बड़ा अच्छे से फंक्शन कर रहा है। अभी भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी प्लांट काम नहीं कर रहा, पर कुछ दिक्कतें इसमें पेश आई हैं। एक तो ये कि जो हमारे कंप्रेसर्स हैं, 2 कंप्रेसर्स हमारे लगे हुए हैं, एक तो शुरू में ही लग गया था, एक बाद में कुछ महीने 8 महीने खैर के जाना वो लगाना पड़ा था। गवर्नमेंट ने डायरेक्शन थी गवर्नमेंट की, वो आ गया था वो कंप्रेसर जाना। तो उन दोनों की जो है ना, जो एक डेट रहती है, कोई वारंटी रहती है जिसमें कि उनके ऑयल और फिल्टर्स जो है ना वो चेंज करने होते हैं। तो टाटा कंपनी से हम लोगों को एक मेल आई थी कि इनके कंप्रेसर्स की जो है ना वो वारंटी ख़त्म हो चुकी है और इसकी जो है ना सर्विसिंग ड्यू है, तो आप कृपा करके जो है ना इसकी सर्विसिंग कराइए। अगर आप इसको ऐसे चलाएंगे तो हो सकता है, चांसेस हैं कि कहीं कोई इसमें जो है ना कोई इंजरी, इसमें डिफेक्ट आ जाए या कोई आग लगने का खतरा हो। तो उसको देखते हुए, प्रिकॉशन रखते हुए, हम लोगों ने अपने जो हमारे PSA प्लांट को चलाते हैं उनको डायरेक्शन दी कि हम एक कोटेशन उनसे मंगा लेते हैं। टाटा से हमने कोटेशन मंगाई, वो कोटेशन तकरीबन एक कंप्रेसर की 1,80,000 के आसपास, ये 2 लाख मान के चलो तो 4 लाख के आसपास हम लोगों को पैसे की जरूरत है। तो इसको देखते हुए हमने फिर एक लेटर मैंने डायरेक्टर सर्विसेज को लिखा, क्योंकि हम लोगों के पास मेंटेनेंस के पैसे नहीं थे, तो लिखा है, तो उनको 4 लाख की डिमांड हमने की है कि ये पैसे हमारे को मिल जाए तो हम जल्दी ही इस प्लांट को चला देंगे। ये तकरीबन कोई 10-12 दिन के आसपास बंद पड़ा है, पर हम लोगों को, हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको किसी तरह की असुविधा नहीं होने दे रहे हैं, उनके लिए हम जना सेंटर जाना रेगुलरली प्लांट से बद्दी प्लांट से भरवा रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह पुंज की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।